नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, आप देख रहे हैं एंटरटेनमेंट कट्स। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। तो एंटरटेनमेंट कट्स में जहां हम बात करते हैं टीवी जगत से लेकर बॉलीवुड तक की मसालेदार खबरों की, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। दीपिका पादुकोण और मेघना गुलजार ने अपनी आने वाली फिल्म झपाक का किया प्रमोशन। दीपिका पादुकोण इन दिनों अपनी फिल्म झपाक के प्रमोशन के लिए टीवी शोज से लेकर मीडिया से मिलने तक सब कुछ करती नजर आ रही हैं। वहीं हाल ही में दीपिका कपिल शर्मा के शो में भी इस फिल्म का प्रमोशन करती नजर आई। हालांकि दीपिका के प्रमोशन करने की एक बड़ी वजह यह भी है कि दीपिका इस फिल्म में सिर्फ एक एक्टर ही नहीं बल्कि पहली बार झपाक के जरिए प्रोड्यूसर भी बन चुकी है। तो वहीं दीपिका पादुकोण और फिल्म की निर्देशक मेघना गुलजार ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि दिल्ली में वो जो पहले प्रमोशन करने वाली थी झपाक फिल्म का, वो नहीं करेंगी क्योंकि दिल्ली में इस वक्त विरोध प्रदर्शन की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। तो वहीं फिल्म स्ट्रीट डांसर 3D का मुकाबला गाना हुआ रिलीज। इस मौके पर फिल्म की पूरी टीम एक साथ नजर आई। प्रभुदेवा, वरुण धवन और श्रद्धा कपूर की अपकमिंग फिल्म स्ट्रीट डांसर 3D का नया सॉन्ग मुकाबला अब रिलीज हो चुका है। इस गाने ने रिलीज होते ही यूट्यूब पर तहलका मचा दिया है। मुकाबला गाने में प्रभुदेवा और वरुण धवन की गजब की केमिस्ट्री नजर आ रही है। दोनों ने ही इस गाने पर अपनी अमेजिंग डांस मूव के साथ सबको हैरान कर दिया है। प्रभुदेवा अपनी जिस डांसिंग स्किल के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने इस गाने में अपना वही अंदाज दिखाया है। साथ ही आपको बता दें कि इस गाने के लॉन्च के दौरान प्रभुदेवा के साथ भूषण कुमार भी नजर आए। साथ ही आपको बता दें कि मुकाबला गाने के लॉन्च के दौरान प्रभुदेवा के साथ भूषण कुमार नजर आए, जहां प्रभुदेवा ने अपने इस गाने के मूव से सबको अपना दीवाना बना लिया। डिफेंडली एबल्स के लिए एक वर्कशॉप का आयोजन किया, जिसमें समीर कोचर एज गेस्ट नजर आए। बुकाई ने डिफेंडली एबल्स के लिए एक वर्कशॉप का ऑर्गेनाइजेशन किया, जिसमें समीर कोचर, जो कि खुद ही एक एक्टर होने के साथ साथ प्लेयर भी हैं, नजर आए। तो वहीं इस वर्कशॉप में डिफरेंटली एबल्स पर ज्यादा फोकस किया गया, जिसका पूरा मतलब था कि देश और विदेश में ऐसा कोई भी टैलेंट दबकर ना रहे जिसे आगे बढ़ने का मौका ना मिले। और यह कंपनी उन्हीं लोगों को सपोर्ट करती है, एक दिशा देती है कि कैसे उन्हें अपना करियर बनाना है। तो वहीं श्रेयस तालपड़े की मौजूदगी में डॉक्टरों को द ब्रेन रेसिटेशन की ट्रेनिंग दी गई। श्रेयस तालपड़े की मौजूदगी में सभी 108 एम्बुलेंस के डॉक्टरों को द ब्रेन रेसिटेशन की ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान श्रेयस तालपड़े ने इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने पर खुशी भी जताई। इसी के साथ एंटरटेनमेंट कट्स में आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही लौटेंगे बॉलीवुड की कुछ चटपटी और मसालेदार खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ABC Star News। नमस्कार।